हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है नंदस किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल मटर कचौरी की रेसिपी। जब मार्केट में मटर अच्छा मिल रहा है तो क्यों ना हम मटर कचौरी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये विंटर स्पेशल सुपर टेस्टी मटर कचौरी की रेसिपी को। एक बर्तन में आप यहाँ पे आधा कप फ्रेश मटर ले ले। मटर को आप यहाँ पे बॉयल होने के लिए छोड़ दे। 2 से 3 मिनट के लिए हम यहाँ पे मटर को बॉयल कर लेंगे। जैसे ही मटर बॉयल हो जाएगा हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं डो बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए एक बर्तन में आप यहाँ पे 2 कप मैदा ले ले। थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल दे। मैदे की जगह में आप यहाँ पे आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दे। अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप आटा दोनों को मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे तेल को मैदे में अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब हम यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के मैदा का एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हुए मैदा का एक सॉफ्ट डो बना ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मैदे का डो बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे मैदे को ढक देंगे और उसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मैदा सेट हो रहा है हम यहाँ पे मटर का पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे सारे उबले हुए मटर को एक मिक्सी जार में डाल दें। अब हम यहाँ पे मिक्सी जार के ढक्कन को लगा देंगे और मटर का एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मटर के पेस्ट को भून लेंगे। उसके लिए इंडक्शन में एक पैन गरम कर ले। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा हम उसमें 1 बड़ा चम्मच करीब तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही हूँ। जैसे ही तेल थोड़ा सा गरम हो जाएगा 1/4 चम्मच कलौंजी डाल दे और यहाँ पे 1/4 चम्मच हींग डाल दे। दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से मिलाते हुए 15 से 20 सेकेंड के लिए भून ले। जैसे ही कलौंजी और हींग थोड़ा सा भून जाएगा हम उसमें मटर का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले से बना के रखा है। नमक डाल दे यहाँ पे स्वाद अनुसार। अब हम यहाँ पे सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। मिलाते हुए हम यहाँ पे मटर के पेस्ट को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ही मटर का पेस्ट अच्छी तरीके से भून जाएगा अब हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे और मटर के पेस्ट को ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे मैदा जो है अच्छे से सेट हो गया है। मैदे के डो को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से और एक बार गूंद लें। मैदे के डो से हमें यहाँ पे छोटा छोटा लुई बना लेना है। जैसे हम पूरी के लिए लुई बनाते हैं वैसे हमें छोटे छोटे बॉल साइज़ का लुई बना लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे मैदे का बॉल्स बना लिए हैं। अब हम चलते हैं उसको बेलने के प्रोसेस में। उसके लिए आप यहाँ पे एक मैदे का लुई ले, उसको अच्छी तरीके से गोल शेप दे दे। बाकी के लुई को आप यहाँ पे ढक दें, नहीं तो मैदा जो है वो हार्ड होने लगेगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल को थोड़ा सा स्प्रेड कर दे लुई में। स्प्रेड करने के बाद ही हम यहाँ पे बेलन की मदद से उसको पूड़ी का शेप दे देंगे। आप यहाँ पे बेलन की मदद से थोड़ा सा उसको पूड़ी का शेप दे दे। जैसे मैं कर रही हूँ ठीक आप उसी प्रोसेस में करते रहिए। हल्के हाथों से आप यहाँ पे रोल करें। जब ये पूड़ी का शेप बन जाएगा हम यहाँ पे मटर के पेस्ट को ऐसे ही गोल करके उसको अंदर डाल देंगे। जैसे हम पराठा बनाते हैं ठीक उसी प्रोसेस से करना है। अब हम यहाँ पे सारे प्लेट्स को एक साथ कर देंगे। जैसे पराठा या फिर मोदक बनाते हैं वैसे ही कर लेना है। ओपनिंग को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से सील कर दें। अब हम उसको फिर से गोल करके उसको फ्लैटन कर लेंगे। आप यहाँ पे पहले गोल कर ले, फिर हम उसको चकली में रख के पहले तो हाथों की मदद से आपको उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है ताकि अंदर का स्टफिंग जो है इक्वली हर जगह रहे। स्टफिंग को अच्छी तरीके से अंदर स्प्रेड करने के बाद अब हम यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथों से आप यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करते हुए उसको गोल शेप दे दे। जैसे पूरी या पराठा बनाते हैं वैसे ही हमें कर लेना है। हमने यहाँ पे एक कचौरी को रोल कर लिया है। अब हम चलते हैं उसको फ्राई करने के प्रोसेस में। उसके लिए आप यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम उसमें एक कचौरी को डाल देंगे। कचौरी को गर्म तेल में यहाँ पे डालने के बाद हमें यहाँ पे कचौरी को थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करते रहना है। उससे जो है कचौरी जो है अच्छी तरीके से फूल जाएगी। हमें कचौरी या पूड़ी बनाने का ट्रिक दिमाग में रखना है कि तेल जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। गैस या
इंडक्शन के फ्लेम को आपको यहाँ पे हाई पे रख के पूड़ी या कचौरी को तल लेना है। और हमें यहाँ पे कचौरी या पूड़ी को थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करते रहना है, उससे ही जो है कचौरी या पूड़ी अच्छी तरीके से फूलेगी आपकी। जैसे ही कचौरी हमारी यहाँ पे अच्छी तरीके से पक गई है, अब हम उसको निकाल देंगे। सेम तरीके से मैं आपको यहाँ पे और एक कचौरी तल के दिखा देती हूँ। गरम तेल में आपको सावधानी से कचौरी को डाल देना है। जैसे ही गरम तेल में आप डाल देंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करते रहना है। थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे प्रेस करते रहिए और साइड बाय साइड आप यहाँ पे गरम तेल को उसके ऊपर डालते रहिए, तभी जो है आपका पूड़ी या कचौरी जो है अच्छे से फूलेगी। जैसे ही एक साइड से पक जाएगी, हमें दूसरे साइड से सेम तरीके से यहाँ पे तेल को स्प्रिंकल कर देना है। गरम तेल स्प्रिंकल करें, उससे कचौरी या पूड़ी अच्छी तरीके से फूल जाएगी। दोनों साइड से अच्छे से पकने के बाद हमें यहाँ पे कचौरी को निकाल देना है। आप यहाँ पे गर्मा गर्म मटर कचौरी को आलू दम के साथ सर्व करें, उससे मटर कचौरी खाने का स्वाद जो है और भी बढ़ जाती है। यकीन नहीं है तो आप एक बार मेरी इस प्रोसेस से मटर कचौरी की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।